सेक्टर 37 गोदावरी मार्केट जो है परफेक्ट प्लेस है यंगस्टर्स के लिए हैंग आउट करने की, बहुत ही अच्छी प्लेस है। सेजल तुम्हारा क्या मूड है? मेरा यार चाय कॉफी हो जाए यार, इतनी ठंड हो रही है, मजा आएगा। तो इसी बहाने हमने सोचा हम भी आपको दिखा दें नोएडा की एक कूल हैंग आउट प्लेस। सब लोग दिल्ली जाते हैं चिल करने के लिए, लेकिन भाई नोएडा वालों नोएडा में चिल करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस है। तो ये हम आ गए गोदावरी मार्केट। इजिली आप मेट्रो से कम्यूट कर सकते हो, बोटानिकल गार्डन स्टेशन बहुत पास में ही है। तो ये है मार्केट, अब चलिए आपको एक वॉक थ्रू कराते हैं इस मार्केट का। सबसे पहले आ गया रोल्स किंग। तो इस मार्केट में जो है आपको सारी वैरायटी के खाना आपको सब कुछ मिल जाएगा, जैसे एब्सोल्युटली बर्गर्स, पिज़्ज़ा। स्पेशली अगर कॉफी और चाय की क्रेविंग हो रही है तो इस मार्केट से बेस्ट कोई नहीं है। यहाँ पे बहुत सालों से आपको न्यूटेला वॉफल्स, हॉट चॉकलेट बहुत फेमस है, साथ साथ संडे ब्राउनी और किटकैट डिलाइट वॉफल बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आपको रोल्स वोल्स खाने का बहुत शौक है, चिकन रोल्स स्पेशली जो है इसका बहुत फेमस है, और चिकन रोल के साथ साथ यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ नूडल्स, चाइनीज स्टार्टर्स, तंदूरी स्टार्टर्स ये भी मिल जाएंगे। आज आपका क्या खाने का मन है तोशी? यार मेरा तो एज यूजुअल कॉफी और मोमोज खाने का बहुत मन है। दिल्ली वाले मोमोज ना खाएं ऐसे मौसम में, तो नहीं सकता। भाई बढ़िया सी चटनी और ओ हो हो, मैं पिज्जा भी खा सकती हूँ। वेट पिज्जा खाने के लिए 37 मार्केट में ये है सोहो किचन एंड गो। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ वुड फायर्ड पिज्जा जो है वो मिल जाते हैं। तो एक बार इनका मेन्यू चेकआउट करते हैं। तो इनके मेन्यू में आप देख सकते हो वुड फायर पिज्जा की बहुत सारी वैरायटी है, मार्गरिटा, इटालियन पेस्टो पिज्जा भी है यहाँ पे। वहीं अगर आपको ग्लोबल पिज्जा देखते हैं तो स्पैनिश स्टाइल पिज्जा, साथ साथ पनीर पिज्जा, वैरायटी ऑफ नॉन वेज पिज्जा भी हैं। बट सबसे बेस्ट बात ये है कि ये सारे के सारे जो है वुड फायर्ड पिज्जा है। अब बात हुई ही है तो भाई अभी भी मेरा कॉफी और चाय से मन हटा नहीं है। तो सबसे पहले हम इस मार्केट की सबसे पुरानी आइकॉनिक शॉप टिएस्टा के पास चलते हैं। वहाँ पे हम अपनी कॉफी और चाय साथ साथ उसकी फेमस मोमोज जो है वो ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज द आइकॉनिक टिएस्टा शॉप इन सेक्टर 37 गोदावरी मार्केट। सो दिस शॉप वाज बेसिकली स्टार्टेड बाय एन आर्मी वेटरन। टू से जल तो क्या ऑर्डर करना चाहती हो तुम यहाँ पे? एक बार इनका मेन्यू चेकआउट करते हैं। दार्जिलिंग टी के साथ साथ ऑरेंज टी, आई नेवर हर्ड ऑफ ऑरेंज टी, देन दे हैव कश्मीरी कहवा, देन देयर इज अ हर्बल टी, देन जिंजर हनी, देन काफी वैरायटी है एज यू कैन सी। कॉफी की भी बहुत सारी वैरायटी है और मुझे स्पेशली यहाँ की कोल्ड कॉफी जो है हेज़लनट कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है। इनके रेट्स भी बहुत रीजनेबल है। सो भैया एक कश्मीरी कहवा और एक हेज़लनट कोल्ड कॉफी और एक चिकन मोमोज, दैट्स इट। ठीक है, ओके। हम लोग ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब हम लोग अपनी कॉफ़ी और मोमोज का वेट कर रहे हैं। कश्मीर कहवा, कहवा इज योर, द अरोमा इज रियली नाइस, एकदम कश्मीर की बादलों जैसा लग रहा है। सो कश्मीर की फील भी हमने इस मार्केट में आके ले ली। हाउ डज इट टेस्ट? वेरी स्वीट, मतलब स्वीट में भी ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा मीठा है, बट सटल स्वीटनेस। भैया से पूछते हैं मोमोज आने में कितना टाइम है। भैया मोमोज आने में कितना टाइम है? ओके ओके, वी गॉट अ चिकन मोमोज आल्सो। हमारे एपिक चिकन मोमोज और कश्मीरी कहवा एंड आवर कोल्ड कॉफी इज योर। सो ले रहे हैं मोमोज। भैया मेरा एक बर्गर। सो ये रेड वाली चटनी एंड ऑफ कोर्स दिल्ली वाले मेयोनीज से इतना मजबूत थोड़े ना खाते। I feel like I can judge by your expression that I don't even have to eat. I just know it's going to be good. Amazing, and this chutney is to die for. So this momo ka combination along with the coffee is perfect.